अब खरीदारी करने के लिए दोस्तों आपको इन नोटों की जरूरत होती है, लेकिन आज से 300, 400, 500, 700 साल पहले खरीदारी करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती? तो इन कॉइनों की जरूरत होती थी। हमारे साथ भाई हैं जो कि हमें जानकारी देंगे कि इनके पास कितने पुराने कॉइन्स हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? सुलेमान है, सही है। सुलेमान अंसारी, सबसे पुराना कॉइन आपके पास कितने साल पुराना है? 1200 साल पुराना। और इसके अलावा जो ये कॉइन रखे हुए हैं, थोड़ा सा इन्हें दिखाइए जरा, कितने साल पुराने हैं? ये कौन कौन से हैं? ये शिवाजी महाराज का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, श्री जाजा शिव। ओके, ये दो आना है इंडिया का, ये तो 1944 का ही है। ठीक है, टीपू सुल्तान का है ये वाला। हाँ, ये कब का होगा? लगभग 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना, मैसूर स्टेट का है। ओके, अच्छा ये क्या है? ये पूरा मुगल का जमाने का है, शायद अकबर के जमाने वाला है। मुगल का है, मुगलों के जमाने का। पूरा 500 साल 600 साल पुराना तकरीबन इतना होगा। इसके अलावा और ये पृथ्वीराज चौहान का है, ये वाला। ओहो, ये तो बहुत ही पुराना है। ये पूरा पृथ्वीराज चौहान, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अच्छा, ये आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब का होगा? सन लिखा हुआ है क्या इस पे? हाँ, इसमें लिख के 1818 1818 का, 1818 का। ये विजयनगर का है, विजयनगर। हाँ, ये भी पुराना है। पुराना है वो। अच्छा, और ये वाला, ये भी टीपू सुल्तान का है। ये भी टीपू सुल्तान का है, टीपू सुल्तान का। ये औरंगजेब का है। ओके, ये है औरंगजेब का, हाथ ने बनाया पूरा है। डायरी वगैरह भी रखी हुई है इनके बारे में बताइए, ये क्या है? ये देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अच्छा, डायरी बना रखी है आपने? डायरी बने के रखी। ओके, ये पूरा किंग जॉर्ज का है। ठीक है, ये अमेरिकन का है। ओके, राम पटाभिषेक है, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, का है, ये विक्टोरिया महारानी का है। ओके, ये रोमन का है। अच्छा, तो ये अलग अलग देश दुनिया के अलग अलग कॉइन रखे हुए हैं क्या यहाँ पे? पूरा अलग अलग। ओके, और ये? ये मैसूर महाराजा का है। ये मैसूर महाराजा श्री चामुंडी। अच्छा, हाथी का कॉइन्स। अच्छा, और ये श्री कृष्णाजा, कृष्णाराजा वोडियर। इधर मैसूर का ये शिवा पार्वती, ये भी। अच्छा, ये आपने इस तरीके से डायरी बना रखी है? तो यहाँ तो तमाम डायरी रखी हुई है आपके पास। एक पैसा बोलते हैं घोड़े वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके बाद आया गवर्नमेंट ने, इधर का गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, यहाँ पे तो ये तमाम ये इधर पड़े हुए हैं। ये का ग्वालियर का है, ये ग्वालियर के राजा का राजा का है। अच्छा, ये कौन सा है? ये ग्वालियर राजा है, श्री जी राव शिंदे। ये महाराष्ट्र का कॉइन है, हिंदी लिख के। हाँ, हमको थोड़ा पढ़ने नहीं आता। अच्छा, अच्छा। समझ के हम बोला था। एक पैसा। हाँ। ओके, ये क्या है? ये पल्लवा का कॉइन है। ये क्या कॉइन है? ये तो ये पूरा हैंडमेड का है, पुराना। अच्छा अच्छा, ये काफी पुराने हैं। ये पुराने हैं। ठीक है। अच्छा, एक आप 1200 साल पुराना बता रहे थे आपके पास कॉइन है, चोला का है, हैं वो दिखाइए जरा। 1200 साल पुराना ये दिखाए, छोटा है कॉइन है। अच्छा, 1200 साल पहले ये चलते थे, ये तो बहुत छोटा सा है यार। ये कॉइन देखिए दोस्तों, 1200 साल पुराना कॉइन है ये। 1200 साल पहले इस तरीके के जो है रुपया चले करते थे व्यापार के लिए, कुछ भी खरीदारी के लिए। हैं, अच्छा, इस साइड में थोड़ा सा आइए। ये तो अभी के हैं ना, एक रुपया, दो रुपया, ये पूरा अभी का नोट है। पैसा, ये तो ये बैन हो गए अब, ये चलते हैं। बैन हो गया, ये तो खत्म हो लिया। एक का है, ये दो का है, ये दस का है। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट 10 का है, 1947 का है, पूरा बैन हो गया। हाँ, हाँ, अभी नहीं चलता है। ये 20 का है, ट्रैक्टर का। अच्छा, बैन हो गया। ये 50 का है, 50 का है, पार्लियामेंट, दिल्ली पार्लियामेंट, संसद भवन। ये भी 100 रुपीज का है, ये बहुत पुराना होगा। ये भी नहीं, ये भी 60-70 साल। हाँ, इतना तो जरूर होगा। मोदी बैन किया, ये तो मोदी जी हमारे बैन कर दिया, बैन हो गया, अभी नहीं चल रहा है। अब क्या कीमत है इसकी? अभी हम 300 में लेता है। अच्छा, 300 में हम ले लेता है, दयाल था 50 रुपीज। 300 रुपए में आप ले लेते हो इसको? अच्छा, तो हमारे पास अगर रखे होंगे तो 300 में यहाँ भेज दूंगा मैं आपके पास, लेके आना, ले लेगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको दुख है कि आपके 500 रुपए जब बंद हो गए थे और आप उनके परेशान है कि वो खराब हो गए, तो खराब नहीं हुए हैं, आप उनको 300 रुपए में बेच सकते हैं भाई के पास आके, सुलेमान भाई के पास। और 1000 वाला कितने में लोगे? 1000 वाला 500 में, 500 रुपए में। चलो, कुछ तो कीमत मिली, खराब जाने से तो बढ़िया है, कुछ तो मिलेगा। अच्छा, रख सकते हैं। ओके ओके, और ये क्या है सरकार? उस टाइम पे वो पूजा को रखते थे उस जमाने में। अच्छा अच्छा, ये तो आरती के लिए है, हमारा जोत करने के लिए। ओके ओके ओके। अच्छा, ये होती थी बट्टी तोलने के लिए, वेट करने के लिए। ये क्या है? 24 टोटल क्या लिखा हुआ है ये? इसका मतलब क्या? कितना? 100 ग्राम है ये, आज का 100 ग्राम है। 100 ग्राम, थोड़ा सा बताओ इनके बारे में भी यार। ये 30 ग्राम का है, 30 ग्राम। ये 50 ग्राम का है। ओके, ये 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम हो गया। ये 80 ग्राम का है। कितना? 80 ग्राम। 80 का, 80 ग्राम का। ये, हाँ, ये ज्यादा है, ये कम है? ठीक है, ठीक है। ये 200 ग्राम का है, ये हो गया 200 ग्राम की बट्टी। ये 500 ग्राम का है, ये हो गया हमारा 500 ग्राम, आधी किलो। तो ये उस टाइम ये क्या लिखा क्या हुआ है? 21B 12B। ये कितना पुराना है? ये टीपू सुल्तान का है, 300 साल पुराना। कॉपर का कॉइन है ये, टीपू सुल्तान 300 ईयर ओल्ड। और ये तो खैर अंग्रेजों के जमाने का हो गया। और जनाब ये भी टीपू का है। ओके, ये अमेरिकन का है, 1871 अमेरिकन, औरंगजेब का है। ये है औरंगजेब के जमाने का कॉइन, 600 साल पुराना, कॉपर का बना हुआ है। ये लिखा क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं तो हमें जरूर कॉमेंट्स करके बताइएगा।
ये पूरा भगवान का कॉइन है, नहीं चलता था उस जमाने में, पूजे को रखते थे उस टाइम पे। ओके अच्छा, इनसे व्यापार नहीं होते थे, ये सिर्फ पूजा के घर में रखने के लिए होते थे। ओके ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ भाई कृष्ण जी गाय के साथ हमारे दिखाए गए हैं, शिव पार्वती जी, और ये जो है ये महावीर, महावीर की है ये, हनुमान जी सीना चीरते हुए राम सिया को दिखाते हुए, कमाल के ये कारीगरी। 1818 का है ये दोस्तों, यूके हाफ अन्ना यानी कि आधा अन्ना, ये एक तरीके से नहीं चलता था उस टाइम पे, पूजा चलता नहीं था, सिर्फ चलता था पूजा के लिए रखते थे, पूजा के लिए रखते थे। ये पूरा चलता था, यहां पे श्री राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी। अच्छा और कॉइन दिखाइए जरा, और पुराने पुराने कॉइन कौन कौन से हैं सबसे? पूरा 20 पैसा है इंडिया का ये। अच्छा ये तो अभी के ज्यादा समय के नहीं है, तो अभी के हैं, जैसे 20 पैसे हो गए है ना, ये कौन सा है इस पे तो लिख नहीं रहा, ये 10 पैसे का होगा शायद, ये भी 20 पैसा हो गया, ये 10 पैसा हो गया, ये 1835 का है ये वाला, 1835 का ब्रिटिश के टाइम का, 1/4 अन्ना। ओके ये तकड़ी का बोलते हैं ना, ये क्या तकड़ी, तकड़ी ब्रिटिश का 1833। अच्छा ये भी ब्रिटिश के जमाने का है। ये देखो ये इंदिरा गांधी का है, आपको ये? पता होगा, इंदिरा गांधी का 1984। ओके ओके 5 रुपए का, ये 5 रुपए का बदल बदल के कहाँ से कहाँ आ गया है ना। और ये भी 5 रुपए, ये किसके का? नेहरू का है, ये नेहरू जी ने बनाया था, मतलब जिसका शासन था उसने अपने हिसाब से उनका चलता था, था। ये मोरी वाला एक पैसा बोलते थे ना, ये कब का है? 1943 कंबर को बांधते थे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, बच्चों को चॉकलेट दिलाते थे इससे, हाँ इससे दिलाते थे। कौन? नेहरू, चाचा नेहरू? नहीं नहीं, पुराना आदमी। ये बिल्कुल अब एंटिक चीजें हैं, अब आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। हमारे सुलेमान भाई ने ये संभाल के रखी हुई है, तो सुलेमान भाई अगर आपको किसी को आपसे ये खरीदने हो तो कैसे खरीद सकता है, एड्रेस बताइए। इधर मैसूर पैलेस है, साउथ गेट जी, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर है। और नंबर बता दीजिए अपना, 9591569376। अगर किसी को कहीं मंगाने हो तो भेज सकते हैं आप, भेज सकते कुरियर से, वो भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो सुलेमान भाई से संपर्क कीजिए, कोई भी एंटीक कितने से पुराना कोई अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।